सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला, अगर आप पेन ईयर बाइक के रिटेलर बने हैं तो पेन ईयर बाइक की केवाईसी नहीं किया, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ पेन ईयर बाइक की केवाईसी कैसे करेंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ पेन ईयर बाइक की केवाईसी करके 1000 में पेन ईयर बाइक की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लाइफ टाइम तक काम कर सकते हैं पेन ईयर बाइक में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ पेन ईयर बाइक की केवाईसी कैसे करेंगे। आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने। आपको प्ले स्टोर से पेन ईयर बाइक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है, चलिए इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेन ईयर बाइक की ये डिस्प्ले यहाँ पे शो होगी आपके पास इस तरह का। उस समय आपको यहाँ पे लोडिंग मिलेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलकर यहाँ पे आएगा। पहले अपने पेन ईयर बाइक की एप्लीकेशन आपको लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने साइड में थ्री लाइन पे क्लिक करना, थ्री लाइन पे यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ये लोडिंग आपके पास लगेगा, माय प्रोफाइल। ये लोडिंग लेने के बाद आपके पास उस तरह का वहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे प्रोफाइल केवाईसी बैंक, आपको यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करना है। केवाईसी पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आपको पैन नंबर आ जाएगा, पैन कार्ड का यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लेना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखिए टू ऑप्शन आएगा, या कैमरा से क्लिक कर सकते हैं, आपको फाइल में तो वहाँ पे क्लिक कर सकते। चलिए मेरे पास फाइल में क्लिक कर लेता हूँ। फाइल में क्लिक करने के बाद चलिए मैं फाइल से ले लेता हूँ वहाँ से। तरह से आपको ये पैन कार्ड को यहाँ पर आपको क्रॉप कर लेना है, इस तरह से आपको एक क्रॉप कर लेना है, पूरे इसके साइज वाइज साइज आपको कर लेना है। चलिए इसको मैं साइज वाइज आपको यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करना पड़ेगा। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है, ये थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा। टू ऑप्शन है, डो सेल्फ डीजी केवाईसी, डो कंप्लीट डीजी केवाईसी। आपको यहाँ पे डो सेल्फ डीजी केवाईसी पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का यहाँ पर आपको ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर आपको देखिए आधार नंबर डालना। चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं आधार नंबर फिल कर दे रहा हूँ। वो देखिए आपको आधार कार्ड का बैक फ्रंट का फोटो लेना है। फ्रंट का लेने के लिए आपको फर्स्ट में सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेकंड का लेने के लिए आपको सेकंड में क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं फर्स्ट का ले लेता हूँ, तब सेकंड का ले लेता हूँ। चलिए दोनों चीज़ यहाँ पे मैं दोनों फर्स्ट सेकंड का मैं आधार कार्ड का बैक और फ्रंट फोटो ले ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको फ्रंट बैक फोटो यहाँ ले लिया, ऑटोमेटिकली नाम सो कर आपको यहाँ पर कम्प्लीट केवाईसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का ऑप्शन है, पूरी डिटेल्स आपके पास खुल कर आ गए। यहाँ पर एक फ्रेंड पिक लेना है जिसके नाम से रिटेलर आईडी, उसका यहाँ पे पिक लेना है फ्रेंड सेट का, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। लेने के बाद आपको फ्रेंड सेट एक फेस की फ़ोटो ले लेनी है रिटेलर वाली, जिसने रिटेलर की आईडी ये ली है। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं पिक ले ले रहा हूँ, ये फोटो ले लिया। आपको क्रॉप पे क्लिक करना पड़ेगा, क्रॉप पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। फोटो आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा तो आपको यहाँ नॉट मैच दिस आईडी यहाँ पर आपको नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर रिसेट पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना, दोबारा आप यहाँ पे ले सकते हैं पिक। यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी एजेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब दोबारा से यहाँ पे रिटेलर का फ्रेंड सेट आपको फोटो लेना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिप पे क्लिक के क्लिक करना है। उसके बाद आपको खड़े रहना, आँख मून के आपको आराम से खोलना है, ऑटोमेटिक ये फ़ोटो डिटेक्ट कर लेगा। चलिए फटाफट से मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। यहाँ पर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड से फोटो नहीं मैच रहा, आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, दोबारा आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना। चलिए मेरा यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, फिर भी मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर ले रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करना, ये अपलोड यहाँ पे लेगा। यहाँ पे देखा केवाईसी अंडर प्रोसेस, ये केवाईसी अभी अंडर प्रोसेस में देख रहा है। ये केवाईसी ये आपको 4 से 5 घंटा में ऑटोमेटिक ये केवाईसी अप्रूव कर देगा। आप जाकर पेन ईयर बाय एप्लीकेशन में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, आपका केवाईसी ऑटोमेटिक वहाँ पर अप्रूव कर देगा। अभी केवाईसी अंडर प्रोसेस में चल रहा है। सो इस तरह से आप पेन ईयर बाइक की एक क्लिक में वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।